शिवे सर्वा साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्टोजर जय के रायगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आई घंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नई नई बातें समय से ज्ञात होती रहे, आप पर आप नई नई बातों से अपडेट होते रहें। तो साथियों जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार आकाशीय मंडल नियमों के अनुसार सभी जो ग्रह हैं ये राउंड लेते रहते हैं। ज्योतिष में सूर्य को भी चलायमान माना गया है जबकि हकीकत में पृथ्वी चलायमान होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य स्थिर होता है लेकिन ज्योतिष में सूर्य को भी चलायमान माना गया है। तो उसी तरह सारे ग्रह जो राउंड लेते रहते हैं जो है, तो इस कुंडली इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बुध ग्रह का गोचर भ्रमण। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देखें कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों आते मूल विषय पर, बुध का गोचर भ्रमण। तो साथियों 7 जनवरी 2024 पौष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि दिन रविवार को रात्रि 8:52 पर बुध ग्रह जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनके धनु राशि में प्रवेश करने से मेष से लेकर मीन तक राशि के जो जातक हैं किन राशियों पर क्या का प्रभाव पड़ेगा, तो यही इस वीडियो का विषय है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। तो मेष राशि के जातक जानते हैं कि आप इनके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और मंगल ग्रह के अधिष्ठाता भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता उपाय करके हम अपने समय को ठीक कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए यह गोचर जो है भ्रमण जो होगा सभी कारण विघ्न बाधा उपस्थित कर रहा जो है, संबंधियों से वैमनस्य हो सकता है, धर्म के बातों में आप छेद खोदबीन करने की कोशिश करेंगे, छिद्रन्वेषण करने की कोशिश करेंगे, तो यात्रा में असुविधा हो सकती है, धन और मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत बुरा नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा नहीं तो बुरा ही कहा जाएगा। तो इस दौरान में यदि आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी होती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, इसे मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे, आपकी परेशानी दूर होती रहेगी। तो अब आते हैं वृष राशि पर। तो वृष राशि के जो जातक होंगे उनके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, तो यह शुक्र ग्रह के जो जातक हैं यानी वृष राशि वाले हैं इनके लिए यह गोचर भ्रमण सुखदायी है, धन का आगमन होने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपके हर कार्य में आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी कुछ बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे, मतलब कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। अब साथियों आएंगे मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के जो जातकों के लिए क्या होने वाला है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, स्त्री पुत्र आदि को भी कष्ट हो सकता है, राज्य की ओर से जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं बिजली विभाग, इनकम टैक्स विभाग, सेल टैक्स विभाग, नगर पालिका है, इन विभागों से कुछ विवाद हो सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है, इसकी वजह से धन का भी कुछ अपव्यय हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको बच रहना चाहिए। तो आपको चाहिए कि ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौ सह बुधाय नमः का मंत्र का जाप करें। यदि परेशानी ज़्यादा है तो लगभग 9000 की संख्या में इसका पूर्ण जप का संख्या होती है, इसको आप 9000 का जप करके और 900 का हवन, 90 का तर्पण, 9 का मार्जन इत्यादि करके अपने समय को दी, परेशानी ज़्यादा है तो कर सकते हैं, अन्यथा रोज आप 1 माला 3 माला जप करते रहें इसी मंत्र का, ओम ब्रांग ब्रिंग बौ सौधार्य मह, और बुद्ध से अपने अपराधों में क्षमा मांगें। अब साथियों आएंगे कर्क राशि पर। तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय जो है बहुत उत्तम रहने वाला है, धन की प्राप्ति होने वाली है, और जो बच्चे मतलब अंडर एज हैं मतलब अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उनको माता पिता से अच्छे से वस्त्र आभूषण इत्यादि प्राप्त होने का योग बन रहा है, और सभी समाज में घर परिवार में मान सम्मान की वृद्धि होने वाली आपकी जो है, और जो लोग लेखन इत्यादि के कार्य करते हो अथवा जो वीणा वाद ये हो जाए, जो खेल कूद वाले होंगे अथवा ये लोक कला वाले होंगे, तो इनमें उनको गायन बजाने में भी विशेष सुख का अनुभव होगा। अब आएंगे सिंह राशि पर।
तो सिंह राशि के जो जातक होंगे उनके लिए इनके इनका जो मालिक होते हैं, ग्रह स्वामी होते हैं, सूर्य होते हैं, जैसा आप जानते हैं, तो इनके लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, मानसिक पीड़ा हो सकती है। और योजनाओं पर कोई कोई योजना बनाएंगे कार्य करने के लिए, तो उसमें आपको असफलता मिल सकती है, परेशानी हो सकती है, स्त्री पुत्र से झगड़ा हो सकता है और आर्थिक क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे क्या बात होगी, सब ये आपकी राशि से जो गोचर भ्रमण जो पंचम भाव में हो रहा है, तो ये पंचम राशि वालों के लिए यह है प्रेजेंस ऑफ माइंड में परेशानी हो सकती है और यह प्रेम का विभाव होता है, तो इसमें आपके अंदर एक एक लालसा जगेगी अन्य स्त्रियों से प्रेम करने की। तो उस अन्य स्त्रियों से प्रेम करने के कारण जो है आपको परिवार में और मनमुटाव होगा, पुष्प परेशानी होगी और इसलिए घर का वातावरण दूषित हो सकता है। अब आइए कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, तो साथियों इनके लिए यह समय जमीन जायदाद के कुछ उपाय आपको खरीद वृद्धि करेंगे, जमीन जायदाद वृद्धि हो सकती है, कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जमीन है, मकान है, जो इस पेशे में होंगे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और माता से सुख प्राप्त होगा, माता आपकी स्वस्थ रहेंगी, उनसे धन प्राप्त होगा, घरेलू जीवन भी आपको बहुत ही उत्तम रहेगा। इस तरह से यह कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है। अब आएंगे तुला राशि पर। तो तुला राशि के जैसा कि आप जानते हैं कि इनके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, तुला राशि शुक्र ग्रह होते हैं, तो इनके लिए तुला राशि के मन में कुछ इस दौरान में अर्थात जिसे हमने बताया क्या कि 7 जनवरी से इनके मन में कुछ एक भय जैसा उत्पन्न होगा, जो है हमेशा डरे डरे से रहेंगे किसी बात को लेकर, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ परेशानी हो जाए, इस तरह से। तो ये भय के कारण उधर तो डिसबैलेंस रहेगा आदमी, जो साहस में कमी आ जाती है। तो आपको चाहिए जो है कि ये जो तुला राशि के जो ये गोचर भ्रमण जो बुध का हो रहा है, तो बुध का ही उपाय करें आप जो है। तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौ सब धाजमा का मंत्र का जाप कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक छोटा सा उपाय और कर लें कि हरी इलायची को हरे कपड़े बांध करके अपने जेब में रखें अपना जो, इससे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ मानसिक सुकून प्राप्त होगा। और कुछ मंत्र जप करना चाहेंगे तो ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करें, ताकि मानसिक स्थिति आपकी मजबूत हो। अब आइए वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो अभी माता पिता आश्रित हैं, तो माता पिता से वस्त्र है, धन आभूषण प्राप्त होने वाला है। और जो लोग वॉकिंग से, मतलब कि ये वॉकिंग करते हैं, टॉकिंग से अपने यानी बोलने क्लास से जो व्यवसाय करते हैं, जैसे वकील साहब हैं या जो नेता लोग भाषण देते हैं इत्यादि, इस तरह के जो व्यवसाय वाले होंगे जो अपनी वाणी क्लास से जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें उनको विशेष समाज में, मतलब समाज अच्छा प्राप्त होगा और धन प्राप्त होगा, विद्या में उन्नति प्राप्त होगी, अच्छे खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होगी, सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा और आनंद की वृद्धि होगी। तो यह जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय होते ही उत्तम रहने वाला है। अब आइए धनु राशि पर। तो धनु राशि के जो जातक होंगे इनके मन में थोड़ा सा कुछ इनका समय ठीक नहीं चलने वाला है। इनके अंदर एक चुगली करने की आदत बन जाएगी, जो है आप उनकी शिकायत करा, उनसे शिकायत किया जो है, एक उनके अंदर एक भावना बन जाएगी, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे बात बात में, जिससे वजह से क्या होगा, वातावरण दूषित हो जाएगा, लोग आपके विरोधी बन जाएंगे और आपका सहयोग न के बराबर हो जाएगा, आदर सत्कार में भी कमी हो जाएगी, यात्रा में कष्ट हो सकता है। तो इस तरह से यह समय, यह धनुराशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं रहेगा। तो आप अपने जो स्वामी ग्रह हैं, गुरु महाराज हैं बृहस्पति देव के, थे ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवै नमः का मंत्र का जाप करें, इसकी वजह से आपको अच्छा रहेगा और परेशानियों से बचे रहेंगे। और यदि बृहस्पति की वजह से कोई ज़्यादा परेशानी, कोई स्वास्थ्य में खराबी हो रही है, तो लीवर में परेशानी हो, किडनी में ऐसे लीवर में परेशानी हो रही हो, कुछ पेट में परेशानी हो रही हो, तो थोड़ा सा आपको बृहस्पति का भी मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवै नमः का जाप करिए, तो आप राशि स्वामी मजबूत होंगे तो आपकी समस्या से मुक्ति मिलने लगेगी। अब आइए आते हैं मकर राशि पर। तो मकर राशि के स्वामी जानते हैं कि आप शनि ग्रह होते हैं और मकर राशि 6.5 का भी प्रभाव चल रहा है, तो
इनके लिए कुछ इनका डाइजेशन सिस्टम कुछ मकर वालों का कुछ बिगड़ने वाला है। भोजन भोजन में अरुचि पैदा होगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, सभी कार्यों में हानि होगी, झगड़े इत्यादि पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं, इसकी वजह से मन अशांत रहेगा। और जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, उनको विद्या में भी हानि होने की संभावना हो सकती है, अथवा विद्या जो पढ़ रहे हैं तो उसमें उनको याद नहीं रहेगा, और जिससे कि 10 बार पढ़ेंगे तब कहीं जाके एक बार याद किए फिर भूल सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये जो बुद्ध का ग्रह गोचर भ्रमण है, तो बुद्ध विद्या बुद्धि के दाता होते हैं, तो बुद्ध की ही शरण में आप रहें, क्योंकि वो विद्या के दाता बुद्ध है। तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग सब धाय, इसी के मंत्र का आप खूब जाप करिए अपना जो है, ताकि आपकी बुद्धि संतुलित रहे, आपकी पढ़ाई में मन लगता रहे। अब आइए आपको आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, धन और यश की प्राप्ति होने वाली है, मित्रों पारिवारिक सदस्यों से धन प्राप्त होने वाला है, अच्छे लोगों से जो कुछ बिछड़े लोग हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आपका कुल मिलाकर समय ठीक रहेगा, मन उल्लास से भरा रहेगा। अब आइए मीन राशि पर। तो मीन राशि के जो जातक हैं, अगर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इस दौरान में नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग बनने वाले हैं। मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृह सुख भी जातक को प्राप्त होने वाला है, मान सम्मान वृद्धि होने वाली है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली है, और आपके द्वारा कुछ ऐसा भी कार्य होगा जिसकी वजह से आप लोग याद करेंगे। तो इस तरह से साथियों, मैंने बुध राशि का जो बुध ग्रह का धनु राशि पर जो गोचर भ्रमण हुआ, मैंने आपको इससे विषय में अवगत कराया। आशा है कि आप इसको समय से पहले जान करके अपना जो हमने परेशानी बताई उसका उपाय कर लेंगे, जिससे आप आने वाली परेशानी से बचे रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। अब आपने हमारे वीडियो को शुरू संत देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।